हेलो गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बिट्टू वेरिटेक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्माष्टमी के लिए कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि आप भी अपनी फ़ोटोज़ को जन्माष्टमी के लिए कैसे एडिट कर सकते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। और यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, जिससे कि गाइस लाइफ में आने वाली और भी फ़ोटो एडिटिंग की ट्यूटोरियल आपको फ्री में मिलते रहेंगी। तो गाइस, यहाँ पर टाइम को वेस्ट किए बिना चलिए अब इस जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यूज करेंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन का, जो कि एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है किसी भी प्रोफेशनल लेवल की फोटो को एडिट करने के लिए। तो दोस्तों, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यह बिल्कुल फ्री ऐप है। तो गाइस, सबसे पहले जाकर आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइस, यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है एंड यहां पर आप देख सकते हो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एडिट अ फोटो, एडिट अ वीडियो, मेक अ कॉलेज बैकग्राउंड्स, अप्लाई इफेक्ट, ब्यूटीफाई। तो गाइस, यहां पर सबका काम अलग अलग है। आपको सिंपली फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है एडिट अ फोटो के ऊपर। उसके बाद गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। तो गाइस, यहां पर मैंने अब बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है। तो गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल में मैं जितने भी स्टॉक पीएनजी बैकग्राउंड यूज़ करूंगा उन सब फाइल का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यार, प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि आप हर चीज़ समझ पाओ कि कहाँ पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है। ओके, तो गाइस, इसे ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पीएनजीज़ को ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आप जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग कर पाओगे। ओके, तो अभी गाइस हमने इस बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लिया है और अब हम सिंपली ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइस, ये ऐड फोटो का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा जब आप टूल को आगे तरफ स्क्रॉल करोगे। उसके बाद गाइस, आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जो पीएनजी है उसे ऐड कर लेना है। तो गाइस, अभी हमने इस पीएनजी को ऐड कर लिया है एंड ऐड कर लेने के बाद गाइस, आपको इसे कुछ इस तरह यहाँ पर लगा देना है। ओके, इस पीएनजी को लगाने के बाद गाइस, आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड टिक के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर अब आपको अपनी पीएनजी ऐड करनी है। तो गाइस, यहाँ पर हम मॉडल की पीएनजी ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ पर जो मॉडल का पीएनजी यूज़ कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है, जैसा कि आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि आप भी अपने फोटो का बैकग्राउंड वन क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हो, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आप सीख जाओगे कि आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड वन क्लिक में कैसे रिमूव कर सकते हो। ओके, तो गाइस, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। ओके, तो गाइस, अभी हमने यहाँ पर मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लिया है और ऐड कर लेने के बाद गाइस, हम इस फोटो को कुछ इस तरह सॉर्ट करते हैं एंड इसके बाद हम अपने मॉडल की फ़ोटो को जूम कर लेते हैं। ओके, तो गाइस, यहां पर आपको कुछ इस तरह जूम कर लेना है। ओके, जूम कर लेने के बाद गाइस, अब आपको सिंपली यहां पर इस मॉडल को फिट कर लेना है और सिंपली गाइस, अब आपको टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, टिक के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद गाइस, अब आपको ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइस, अब आपको लाइट की पीएनजी ऐड करनी है, जो कि है ब्लू कलर की। ओके, उसको गाइस आपको फुल स्क्रीन पर यहाँ कुछ इस तरह लगा देना है और लगाने के बाद इसे आपको ब्लेंड करना है। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता कि किसी भी इमेज को या पीएनजी को या फोटो को ब्लेंड कैसे करते हैं, तो नीचे टूल्स दिए हुए हैं, उनको आपको आगे तरफ स्क्रॉल करना है, फिर आपको ब्लेंड पर क्लिक करके इसे स्क्रीन मोड पर ब्लेंड कर देना है एंड इसके बाद गाइस, आपको इसे फुल स्क्रीन पर कुछ इस तरह लगा देना है। ओके, तो गाइस, हम यहाँ पर ये पीएनजी इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि जब हम यहाँ पर मोर का पंख सिर के पास ऐड करेंगे तो मोर का पंख विजिबल रहेगा। आई मीन, जो हेयर कलर होता है और जो मोर का पंख का कलर है वो सेम है, तो जब आप उसे लगाते हो तो दिखता ही नहीं है, इसलिए गाइस आप इस लाइट को ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद गाइस, अब आप सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेंगे और अब हम सिंपली ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इस बार हम मोर का जो पंख है उस पीएनजी को ऐड करेंगे एंड इसे हम यहाँ पर जूम कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह लगा देंगे एंड लगाने के बाद गाइस, अब हम सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेंगे और फिर हम गाइस ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये हेयर बैंड है जो, उसकी पीएनजी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड यहाँ पर हम इसे कुछ इस तरह लगा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड लगाने के बाद गाइस, अब आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद गाइस, अब आपको सिंपली ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइस एक और पीएनजी ऐड करनी है एंड उसे ऐड करने के बाद आपको इसे फुल स्क्रीन पर जूम करके यहाँ पर कुछ इस तरह आपको लगा
लगा देना है, जैसे कि मैंने भी लगाया हुआ है। ऑफसेट यहाँ पर मेरी गाइस गलती से कम हो चुकी है, तो मैं इसे पहले फुल इंक्रीज़ कर लेता हूँ एंड मैं इसे गाइस बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड लगाने के बाद गाइस अब मैं सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और गाइस अब इस फोटो में मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करता हूँ और थोड़े से इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, जिससे कि जो लुक होगा वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो सिंपली मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एडजस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। फिर गाइस मैं इस फोटो में थोड़ी कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद गाइस अब एक बार हम फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक ग्रेडियंट की PNG ऐड करेंगे जो कि है वाइट कलर की, जो गाइस नीचे की साइड से कुछ लाइट इफेक्ट आने की तरह है, तो आपको उसे ऐड कर लेना है। एंड ऐड कर लेने के बाद गाइस आपको इसे यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह लगा देना है। ओके, उसके बाद गाइस आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके, उसके बाद गाइस अब आपको इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसका नेम है ISL 4। तो आपको यह फिल्टर अप्लाई कर देना है एंड इसके फेड को गाइस आपको कर देना है 45। ओके, उसके बाद गाइस आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है और गाइस अब आपको सिंपली ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद वही लाइट गाइस जो ब्लू कलर की थी आपको फिर से ऐड करना है। एंड ऐड कर लेने के बाद गाइस आपको इसे फिर से कुछ इस तरह यहाँ पर जूम कर लेना है एंड जूम कर लेने के बाद गाइस आपको सिंपली इसे ब्लेंड पर क्लिक करके स्क्रीन मोड पर ब्लेंड कर देना है एंड फिर से गाइस आपको यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक और फिल्टर अप्लाई करना है जिससे कि थोड़ा आपके फोटो में टेक्स्चर और शार्पनेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आर्टिस्टिक का, तो आपको सिंपली उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस इसके बाद आपको इसे सबसे लास्ट तक स्क्रॉल करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्बोस का, तो आपको सिंपली उसी ऑप्शन पर दो बार क्लिक करना है एंड फिर इस फिल्टर को आपको ब्लेंड कर देना है। तो गाइस यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, डार्केन, लाइटन, स्क्रीन ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ऐड। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली इसे ओवरले पर ब्लेंड कर देना है एंड उसके बाद आपको सिंपली टिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस अब आपकी जन्माष्टमी फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और गाइस अब आप इस फोटो को जन्माष्टमी के दिन अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो। आई होप आप समझ चुके होंगे कि आप जन्माष्टमी के लिए एक बहुत अच्छी फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। और गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे गाइस आपको एडिटिंग रिलेटेड और भी मुझसे जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू फोटो एडिटिंग के ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।